लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को रोशनपुरा चौराहे पर 8 महीने पहले हुए बलात्कार एवं हत्या के मामले में दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बेटी बचाओ अभियान के तहत दिए गए धरने में शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार को चेताया कि बालिकाओं का न्याय नहीं मिल पा रहा है और न्याय में देरी हो रही है। देश खतरनाक स्थिति में आगे बढ़ रहा है। न्यायपालिका के साथ सबको मिलकर सोचना होगा। नशे में इस तरह के अपराध होते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं में बढ़ते नशे को रोकने के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाया जाना चाहिए, परंतु पहले से अब ज्यादा प्रदेश में शराब दुकानें खोली जा रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें, चौहान जब सीएम हाउस की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उनको रोक दिया और आगे बढ़ने नहीं दिया। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलकर ज्ञापन सौंपा, जिस पर मुख्यमंत्री ने जल्दी कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया। मंच पर पीड़िता बालिका के माता पिता भी उपस्थित थे। अब तक इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं लिया गया। आज तक यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं आया। रोज सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे संवेदनशील मामले को फास्ट ट्रैक में लेके हम रोज सुनवाई करवाते थे, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब तक मामला नहीं आया। डीएनए की रिपोर्ट ऐसा यक्ष प्रश्न बन गई है कि कब आएगी, कब तक आएगी। क्या मामले को रफा दफा करने की कोशिश नहीं है? क्या यह हत्यारों को बचाने की साजिश नहीं है? और इसलिए हम मुख्यमंत्री से विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बेटी को न्याय दो। हत्यारों को फांसी मिले इसका प्रबंध करो। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाओ। डीएनए रिपोर्ट शीघ्र बुलवाओ। आखिर इसी मध्य प्रदेश की धरती पर कानून बनाए कि मासूम बेटियों के साथ कोई बलात्कार करेगा तो फांसी की सजा। इसी मध्य प्रदेश की विधानसभा ने बनाया। और इसलिए आज सवाल उठा रहे थे मेरे मित्र, मैं कहना चाहूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी विनम्रता के साथ प्रार्थना पूर्वक कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हैदराबाद जैसी घटना पर लोग फूल बरसाते रहेंगे जब बलात्कारी गोलियों से भून लिया जाते। यह परिस्थिति क्यों बन रही है?